अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मौसम्बी का जूस जो कि बिल्कुल मार्केट जैसा बनने वाला है और बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा। तो इसको कैसे बनाना है देख लेते हैं हम। मैंने लिए हैं इसके लिए 5 मौसम्बी जो कि बड़े साइज़ की हैं। आइसिंग शुगर ली है, बर्फ़ के कुछ टुकड़े लिए हैं, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट लिया है, 1 गिलास पानी लिया है। अब सबसे पहले हमें इसको इसका कवर अलग करना है, तो मैं इसको कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको पिलर से पहले छील लें, उसके बाद इसको कट कीजिए। देखिए, अब इसका जो छिलका है इसको अलग निकाल देना है। मैं इसको मिक्सी जार में बनाऊंगी, तो इसलिए इसके जो सीड्स हैं इसको भी मैं अलग निकालूंगी। अगर आप इसको जूसर मिक्सर में बना रहे हैं तो आपको सीड निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें खुद ब खुद अलग हो जाते हैं सीड्स। हम सीड्स को इसलिए अलग निकालेंगे ताकि इससे जो जूस है वो कड़वा ना हो। जो मौसम्बी के बीज होते हैं अगर वो जूस में पिस जाएंगे तो हमारा जो जूस है वो कड़वा हो जाएगा पूरा। इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी इसको कट करने में, लेकिन जो हमारा जूस है वो एकदम फ्रेश सा और बहुत ही अच्छा बनने वाला है टेस्ट में। देखिए, इसके जो सीड हैं इनको इसे हम अलग कर देंगे। हमने सारे जो हमारी मौसम्बी है इसको कट करके अलग रख लिया है और इसके जो सीड्स हैं इनको भी निकाल दिया है। अब मैं इसको मिक्सी जार के अंदर डाल लूँगी इसका पल्प तैयार करने के लिए। इसके सीड्स तो हमने अलग कर दिए हैं, बाकी बाय चांस अगर इसके अंदर कोई सीड्स रह भी जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना है ये मैं आपको बताऊँगी अभी। देखिए, इसमें जो पानी लिया था हमने ये डाल दिया है। अब हम इसमें आइसिंग शुगर डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच शुगर ली है। आप मीठा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। अब हम इसे कवर कर देते हैं और इसका पल्प बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए हमें मिक्सर में इसको डाल दिया है और अब हमें इसको किस तरह ग्राइंड करना है ये देख लेते हैं हम। हमें बिल्कुल 1 सेकेंड के लिए ऑन करना है, फिर ऑफ़ करना है, ऑन करना है, फिर ऑफ़ करना है, इस तरह चलाना है ताकि अगर बाय चांस इसमें कोई सीड्स हो भी तो जब हम स्ट्रेनर में छानेंगे तो वो सीड्स उसमें अलग हो जाए, ग्राइंड नहीं होगा सीड्स उसमें। देखिए, हमें स्ट्रेनर में इसको डाल लिया है। अब हम इसे स्पून की मदद से प्रेस करते हुए छान लेंगे अच्छे से। देखिए, हमारा जूस जो है रेडी है। अब हम इसमें ब्लैक सॉल्ट डाल लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ग्लास में मैंने कुछ आइस क्यूब्स रखे थे, आपकी चॉइस है, आपको पसंद हो तो आप डालिए, वरना ऐसे ही अच्छा लगेगा ये। ऊपर से थोड़ा सा हम ब्लैक सॉल्ट और डालेंगे। तो फ्रेंड्स, बनकर तैयार है हमारा मौसम्बी का जूस जो टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।